बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। देखिए लोकसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची इंडिया प्रत्याशी यशस्विनी ने लोगों से मांगा समर्थन, अपनी पहचान और अस्मिता को बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। रांची संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सोना हाथू बाजार टांड जामुदाग बारिंदा टांग टांग मोड़ आदि जगहों में पद यात्रा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ पद यात्रा कर लोगों से समर्थन मांगा। यशस्विनी सहाय ने दिल्ली की दिशा और दशा तय करने के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों से कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में धारा 370 हट सकती है तो झारखंड में 5वीं और 6ठी अनुसूची का विशेष दर्जा भी हट सकता है। सहाय ने लोगों से अपनी पहचान और अस्मिता को बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि भाजपा की झूठे वादे और जुमलेबाजी से देश बर्बादी की ओर जा रहा है, लोगों को सहज होकर अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार में लोगों को दी गई विशेषाधिकार भाजपा सरकार से छीनने की काम कर रही है। सोना न्यूज के लिए सोना हाथू से विनोद बैनर्जी की रिपोर्ट। हम लोग तो बहुत साफ और ईमानदारी का प्रस्ताव लेके चुनाव लड़ेंगे। मोदी के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, वो तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुँच गया। 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, उनको आर्थिक गारंटी भाजपा 8,500 रुपया महिला। भाजपा भी लगातार 1 लाख रुपये का पहली नौकरी मिलेगा युवाओं को, जिससे वो अपना जीवन की शुरुआत कर पहले। ये भाजपा भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। सरकार जो गारंटी आप जानते हैं कि हम लोग 1900 रुपया धान इसका कानूनन तय होगा। सरकार ने इस तरह से ये सारा सवाल हमारा मुख्य आधार है। और मोदी जी का जो है 10 साल का जुमला, 10 साल का झूठ पटे, ये लोग अब थक गए हैं, अब समझने लगे मिल रहा है। जनता की जो सोच है उसी को आगे लेकर जाना है। जनता के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर बातें कर रहे हैं और जनता हमारे समर्थन में दिख भी रही है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने जितना झेला है 10 सालों में वो अब नहीं झेलना चाहते हैं। और वो दिखाएंगे कि जनता ही की जो शक्ति है, जो लोकतंत्र में सरकार बनाती है, इस बार जनता बताएगी उनको। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।